टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी के चर्चे हमेशा से रहे हैं, लेकिन आज हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं जानते हैं। नमस्कार, यह है एबीपी न्यूज। वक्त हो चला है टॉप ट्रेंडिंग न्यूज स्टोरी का और आज गूगल ट्रेंड्स पर छाई हैं शिवांगी जोशी। शिवांगी जोशी ने आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है शो को अलविदा कह दिया। एक्ट्रेस ने 2016 में नायरा के किरदार को निभाना शुरू किया था। यही वजह थी कि उन्होंने टीवी की दुनिया में अपने कदम जमा लिए, क्योंकि नायरा के किरदार में शिवांगी जोशी सबको खूब भाई। उनकी परफेक्ट स्माइल, उनकी ऑनेस्टी लोगों को पसंद आई और यही वजह थी कि हर कोई उनकी ग्रेस से कायल हो गया। फैंस ने उन्हें खूब प्यार दिया और शिवांगी जोशी हिट होती चली गईं। इसके अलावा उनकी ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन मोहसिन खान के साथ केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही। दर्शकों ने दोनों को पसंद किया और कुछ का तो ये भी मानना था कि वो असल जिंदगी में भी डेट कर रहे हैं। हाल ही में मोहसिन खान ने भी डेली सोप की शूटिंग पूरी कर ली थी और अब शिवांगी जोशी ने भी सेट पर आखिरी दिन की शूटिंग पूरी कर ली। 5.5 साल का लंबा सफर खत्म हो गया। यही वजह है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब नायरा और कार्तिक नहीं दिखेंगे, लेकिन शो की स्टोरी एक नए तरीके से दिखाई जाएगी। शिवांगी जोशी ने मुंबई में शो का आखिरी शूट पूरा किया और उसके बाद राजन शाही द्वारा ढेरों पोस्ट किए गए। निदेशक राजन शाही ने ऐसे पोस्ट भी शेयर किए जिसमें शिवांगी जोशी के आंसू साफ दिख रहे थे। रोमेश कालरा, गरिमा डीमरी, शो के कास्ट और क्रू मेंबर्स भी इमोशनल हो गए और ये तस्वीरें एक के बाद एक गूगल पर वायरल होने लगी। राजन शाही ने टीम के साथ खड़े रहने और बेहतरीन जोड़ी बनने के लिए सभी को एक्टर्स की तरफ से शिवांगी और मोहसिन का शुक्रिया अदा किया। निदेशक ने ये भी बताया कि उन्होंने पहली बार एक पूरी यूनिट को रोते हुए देखा है, क्योंकि अभिनेत्री ने शो को अलविदा कह दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है भारतीय टेलीविजन में 12 साल पूरे कर चुका है। अभी भी ये शो जारी है, लेकिन एक नई कहानी के साथ प्रसारित किया जाएगा जिसमें कार्तिक, नायरा या सीरत नहीं दिखेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।